नमस्कार, आप लोगों के चैनल में आप सबों का फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ। मैं ये हरे प्याज का पकौड़ा बनाई हूँ जो काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है। हेल्दी इस सेंस में कि वो बिल्कुल हरा पत्ता होता है जो काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो देखिए कैसे बनेगा ये हरा प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को 3-4 पानी से अच्छे से धो दी थी, ऊपर का परत निकाल दी और बारीक बारीक काट ली। और इसी में थोड़ा सा मैं ये धनिया पत्ता भी बारीक काट करके डालूंगी। और ये सिर्फ पत्ता पत्ता है, बाकी अब ये सब भी प्याज ये डंडी सब अलग से काट करके, और 5-6 हरी मिर्च और ये थोड़ा सा अदरक डालेंगे। मिर्ची और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। ये धनिया पत्ता भी बारीक काट लूँगी, इसमें डालूँगी। और ये चने के बेसन में और थोड़ा सा चावल का बेसन अगर होगा, चावल का आटा, सॉरी बेसन नहीं, चावल का आटा होगा तो वो भी थोड़ा डाल देंगे उसी बेसन में। और अगर नहीं होगा तो सिर्फ हम बेसन में ही बनाएंगे। थोड़ा नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। कुछ काट लिया, अब ये हल्दी पाउडर गया है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी देंगे, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब अजवाइन और बेसन डाल रही हूँ और नमक, ये थोड़ा सा गरम मसाला डाली हूँ, जीरा थोड़ा सा डाले हैं। अब अजवाइन, नमक और बेसन भी डाल देते हैं। ये अजवाइन गया, अब नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। हो गया। अब इसमें बेसन जितना लगेगा उतना डालेंगे और धीरे धीरे, इसमें पानी पहले नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज के पत्ते का पानी खुद होता है। थोड़ा सा हींग भी डाल रहे हैं। इसमें जो चीज़ घर में रहेगा वो चीज़ डालेंगे, जो नहीं रहेगा वो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अब इसमें लास्ट में बेसन डाल रही हूँ कि देखते हैं कितना लगेगा। ये धनिया पत्ता, हरी मिर्च सब कुछ कट के डल गया है। अब इसमें बेसन डालेंगे, बाकी मसाला सब डाल देंगे। तो चलिए इसको बेसन में मिला लेते हैं और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बेसन डाल दी हूँ, अब इसको हाथ से ही मिलाएंगे क्योंकि सही तरीके से हाथ से ही मिल पाता है। आप अगर चम्मच से मिला पाते हो तो चम्मच से भी मिला सकते हैं। मैं इसको मिला रही हूँ हाथ से, अभी सही से मिला नहीं है और अच्छे से मिलाऊंगी। इसमें थोड़ा सा हम पानी छिड़क करके डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिले। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अब फिर मिला दे रही, ये अच्छे तरीके से मैं मिला ली हूँ। ये 250 ग्राम के आसपास, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ये पत्ता था, इसका हरा प्याज था, उसमें मैं बड़े वाले से 4 चम्मच बेसन डाली हूँ। तो उसी हिसाब से आप डालिएगा, जितना पसंद करते हो बेसन उसी हिसाब से। तो मैं तो ये 350 ग्राम के आसपास के पत्ते का ये है, तो ऊपर से थोड़ा सा तो वेस्टेज चला जाता है। तो चलिए अब ये तैयार हो गया है। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ, अब इसको फ्राई करूँगी। कढ़ाई चढ़ा दी, अब इसमें तेल डालेंगे। अगर आप रिफाइंड खाते हो तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें सरसों तेल में ही हम लोग बनाते हैं तो सरसों तेल मैं डाल रही हूँ। ये गर्म हो जाएगा तो पकौड़ी बना। ये गर्म हो गया, अब इसको छोटे छोटे साइज में मैं डाल रही हूँ। पूरे कढ़ाई में जितना आएगा उतना डालेंगे। तो चलिए इसका लो फ्लेम करके डालेंगे ताकि अंदर तक पके, फिर जब डाल देंगे तब मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएंगे। सारे में डाल दिए हैं, अब इसको होने देंगे। गैस का फ्लेम मैं मीडियम पे कर दी हूँ और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर इसको पलट करके निकाल लेंगे। इस तरह हमारा हरे पत्ते का प्याज का पकौड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करें, बेल आइकन सबसे पहले ऑन कर लें। इसको होने दे रही, ये अब हो गया है, अब इसको पलट देंगे धीरे से। आप जितना
गोल्डन पसंद करते हो उतना रखे, हम लोग इतने में पर पलटते हैं। तो ये पलट रही हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं। ये अब हो गया है, अब इसको पलट देंगे धीरे से। आप जितना गोल्डन पसंद करते हो उतना रखे, हम लोग इतने में पर पलटते हैं। तो ये पलट रही हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं। इस तरह सारा पलट दी, अब ये हो गया है। प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, ये हम लोग इतना ही गोल्डन ब्राउन पसंद करते हैं, इसलिए अगर आप इससे कम पसंद करते हो तो कम में निकाले, ज़्यादा पसंद करते हो तो एक मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए और रहने दे। तो इस तरह हमारा हरे प्याज का पकौड़ा बनकर तैयार हो गया। अब दूसरे राउंड का भी मैं डाल रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये दूसरे राउंड का भी बन रहा है और सेम प्रोसेस से दूसरे राउंड का भी बनेगा। हो जाएगा इसी तरह सारा आप लोग बना लीजिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताए ना। जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। अच्छा लगता हो वीडियो को चैनल को शेयर भी करें। ये चटनी के साथ, हरी चटनी लाल चटनी के साथ खाए। ये सारा दूसरे राउंड का भी निकाल ली। ये हरी चटनी के साथ मैं सर्व की हूँ। ये चूड़ा के भुजिया के साथ मुरमुरे, जिसको मुरही हम लोग कहते हैं, उसके साथ भी आप खा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।